हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम विकास है और अपने इस चैनल पे मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मिरर फार्मूला पर बेस्ड एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो पेपर में अक्सर आता रहता है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब फोकल लेंथ कितना गिवन है, एफ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। लेकिन जो मिरर गिवन है वो कौन सी मिरर है, तो कॉन्केव मिरर। इस कारण से जो फोकल लेंथ है वो हम क्या ले लेंगे, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्केव मिरर के केस में फोकल लेंथ हमेशा ही नेगेटिव लिया जाता है। शुड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि ये जो 2 सेंटीमीटर है ये क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट। और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H1 से, और H1 हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू गेट एन इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि जो इरेक्ट इमेज है उसका साइज कितना है, 6 सेंटीमीटर। और इरेक्ट इमेज है इस कारण से H2 की जो वैल्यू है 6 सेंटीमीटर वो क्या होगी, पॉजिटिव। और हमें क्या निकालना है, शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी हम कहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, U की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए हमारे को क्या गिवन है, H2 और H1 की वैल्यू गिवन है, और H2 और H1 के हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो M। इसलिए सबसे पहले जो है ना, हम M फाइंड करते हैं। तो M इक्वल टू क्या होता है, H2 अपॉन H1, इसका मतलब क्या हो गया, 6 अपॉन 2, यानी क्या हो गया, M की वैल्यू 3, राइट। अब देखिए M इक्वल्स टू क्या होता है, -V अपॉन U। तो M हमने क्या फाइंड कर लिया है, 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -V अपॉन U। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू माइनस थ्री यू। इस ये जो M की वैल्यू जो 3 आई है, इसके हेल्प से आपने V और U का एक रिलेशन फाइंड कर लिया है। तो V इक्वल्स टू क्या फाइंड कर लिया है, -3U। अब हमारे पास क्या है, U फाइंड करने के लिए मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला क्या होता है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ। वी के बदले क्या पुट करना है, -3U। तो यहाँ पर वी के बदले मैं पुट कर रहा हूँ -3U। तो ये माइनस साइन मैंने ऊपर ले लिया, और ये प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये एफ की वैल्यू क्या है, -10। तो माइनस मैं ऊपर ले लेता हूँ और यहाँ पर 10। अब देखिए यू और 3U का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3U। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 10। इस तरह से क्या आ गया, 2 अपॉन 3U इक्वल्स टू -1 अपॉन 10। तो -3U की वैल्यू क्या हो गई, 20। इस तरह से बहुत ईजिली हमने क्या फाइंड कर लिया, -20 अपॉन 3, ये U की वैल्यू आ गई, -3 को मैंने राइट साइड कर लिया। इस तरह से जो भी हमें फाइंड करना था U, वो हमने फाइंड कर लिया, कितना, -6.67 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमें फाइनली फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इन वीडियोज़ का फ़ायदा मिल सके। थैंक्स अगेन।